तो डियर्स, आज का जो हमारा सेशन है कि सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर के डोर को कैसे एडजस्ट किया जाए। किसी भी सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर के अगर रबर डोर गास्केट, ये रबर सील ओके हैं, प्रॉपर हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी डोर क्लोज नहीं होते हैं प्रॉपर, क्या रीजन हो सकता है? हम आज सिंगल डोर फ्रिज के एडजस्टमेंट के चार टिप्स आपको देने वाले हैं। तो चारों टिप्स में से सबसे पहला, दरवाजा बंद ही नहीं हो रहा है, कुछ खुले रह जाते हैं, या कि फ्रिज डोर के इस कॉर्नर पे, टॉप साइड के हैंडल साइड के कॉर्नर पे गैप रहता है लेकिन नीचे से क्लोज रहता है। और दूसरा, अगर यहां से क्लोज हो जाते हैं तो इस डाउन साइड के कॉर्नर से यहां पे गैप रहता है। और तीसरा कि जब फ्रिज को हम बंद करते हैं तो क्लोज नहीं होते हैं, लेकिन अगर इनको हम पकड़ के थोड़ा सा उठा के अगर बंद करते हैं तो इस तरह से दरवाजे प्रॉपर बंद हो जाया करते हैं, उसका क्या रीजन है? और चौथा कि जब हम फ्रिज के डोर को क्लोज करते हैं तो ये रिवर्स आ जाया करता है, इसका क्या रीजन होता है? तो सबसे पहला टिप्स, हमने डोर को ओपन किया, अब हम जब क्लोज करेंगे तो इतने पे आकर के ये रुक जाया करता है, इतने से ज्यादा अंदर नहीं जाता है, यहीं पे स्टॉप हो जाया करता है। इसका रीजन है कि इस दरवाजे में जो प्लास्टिक का डोर पैनल लगा हुआ है, जो व्हाइट कलर का पैनल है, इसका बेस यहां से, ये बेस इसको टच होता है, ये प्लास्टिक पैनल इस फ्रिज के बेस वाले प्लास्टिक को घसते हैं, ये यहाँ पर जैम हो जाया करते हैं। इस पैनल और इस बॉडी के बीच में करीब करीब 2 मिलीमीटर का डिस्टेंस होना बहुत जरूरी है, इसलिए इनको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा करके क्लोज करने पे प्रॉपर क्लोज हो जाया करते। हम फ्रिज के दरवाजे को नीचे ऊपर कर रहे हैं, इसमें प्ले है, अगर इस दरवाजे का नीचे वाला हिंज जो सपोर्ट है यहाँ पर एक वाइशर की पैकिंग दे देने से फ्रिज का दरवाजा उतना ऊपर आ जाएगा जितना इस वाइशर की मोटाई होगी, अप्रोक्सीमेट 2 मिलीमीटर तो है। हम इनके टॉप साइड के हिंज को खोल कर हम इस दरवाजे को बाहर ले लेंगे। ये फ्रिज का हिंज जहां पर फ्रिज का दरवाजा सपोर्ट लेता है इस जगह से घस गए होते हैं और इनके होल बहुत बड़े हो चुके होते हैं, तो हम उस होल में भरने के लिए यूज करेंगे एम सील और दूसरा कारपेच। अगर हम इस कारपैच एडिटिव को इस जगह पर यूज करते हैं ओनली 5 मिनट्स या 3 मिनट्स के अंदर ये हार्ड हो जाया करते हैं, बिल्कुल लकड़ी के जैसा ये हार्ड हो जाया करेंगे। हम इन दोनों केमिकल को ओपन करके इनके अंदर भरे हुए गीले केमिकल को हम बाहर निकालेंगे और दूसरे वाले केमिकल में से भी थोड़ा सा हम इसमें कुछ इतना सा मिक्स करेंगे, हम इसको प्रॉपर मिक्स करेंगे और इसको मिक्स करके हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इनके बड़े हो गए होल को भर के हम किसी वाइसर को रख करके वहाँ पे छोटा सा होल बना देंगे। अप्रोक्सीमेट 2 मिनट्स, 2 मिनट के अंदर अंदर ये काम हो जाने चाहिए। अब हम इस दरवाजे को वापस फिटिंग कर देंगे। अब आप देख सकते हैं ये फ्रिज के डोर प्रॉपर क्लोज होंगे, और अगर फ्रिज के गैस्केट कहीं से फटे हुए हैं, कटे हुए हैं, या कि रबर गैस्केट और दरवाजे के बीच में अगर कुछ गैप्स आ रहे हैं तो आप वहां पर सिलिकॉन सीलेंट का यूज करें। आप देख सकते हैं इसका नाम है फेविसील मल्टीपर्पज एक्रेलिक सिलिकॉन सीलेंट। ये एडिटिव एक ट्यूब्स के अंदर आता है, इन्हें पीछे से प्रेशर दे करके यहाँ से निकालना पड़ता है, आप ऐसा देख सकते हैं जो इसमें से कुछ इस तरह से निकलते हैं। इस केमिकल को जहां पे गैप्स हों या कटे फटे हों वहां पे भर देने से ये गैप्स भर जाया करते हैं, या कि अगर एक गैस्केट फटे हुए हैं तो स्टिक हो जाते हैं और इनके जॉइंट्स बिल्कुल रबर के जैसे हो जाते हैं, और फालतू जगह पर लगे हुए एडिटिव सॉल्यूशन को इनको वाइप कर देना चाहिए। ये 10 मिनट में ड्राई होकर के और इनके इफेक्ट बिल्कुल रबर के जैसे हो जाएंगे। और अब फ्रिज रिपेयर टिप्स नंबर 2, अगर फ्रिज के दरवाजे में हैंडल साइड से इस कॉर्नर पे, यहां से जब हम फ्रिज के दरवाजे को बंद करते हैं तो इस कॉर्नर पे जो गैप्स होते हैं सिर्फ टॉप साइड के इस कॉर्नर पे जहां पे हैंडल होते हैं, तो इसकी थ्योरी है कि यहाँ के गैप्स को सॉल्व करने के लिए आप दरवाजे की ठीक इसके कॉर्नर पे जा रहे यहाँ वाले हिंज को एडजस्ट करो। यहाँ के हिंज में लगे हुए दोनों नट को बस सिर्फ ढीले करके और इनको ठोक करके थोड़ा आगे ले लेने से और इन्हें वापस टाइट कर देने से तो इस साइड के गैप्स क्लोज होने लगते हैं, और वहीं अगर यहाँ पे गैप नहीं आ रहे हैं, इस कॉर्नर पे आ रहे हैं, हमें यहाँ वाले गैस्केट के अंदर गैप्स को सॉल्व करने के लिए हमें यूं ऐसा मार्क लेना पड़ेगा। इस साइड के गैप्स को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ वाले हिंज को एडजस्ट करना पड़ता है, टॉप साइड के हिंज को। हमें इनके टॉप साइज के हिंज को ढीला करके हमें इस हिंज को थोड़ा ठोक करके आगे ले लेने से
दरवाजे के इस कॉर्नर साइड का गैस्केट के गैप्स बंद हो जाया करते हैं। और नंबर तीन, अगर सुडनली कभी ऐसा अचानक दरवाजे बंद नहीं हो रहे हैं तो आप फ्रिज के अंदर वेजिटेबल ट्रे या कि स्टोरेज सेल्फ अगर बाहर है तो इनको अंदर कर दें, या कि ये स्टोरेज सेल्फ की डेप्थ अगर किसी की कम ज्यादा है और वो नीचे ऊपर हो गए हैं कभी, तो आप इनको निकाल कर इनको नीचे की तरफ डालिए और ये वाले को इसकी अपनी जगह पर एडजस्ट करेंगे तो भी डोर प्रॉपर क्लोज होने लगते हैं। और नंबर चार की, अगर फ्रिज के दरवाजे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके एडजस्टमेंट भी प्रॉपर हैं, गैस्केट भी अच्छा है, लेकिन फिर भी जब हम दरवाजे को ओपन करते हैं और छोड़ देते हैं तो डोर प्रॉपर क्लोज नहीं होता है, ये बीच में ही स्टॉप हो जाया करते हैं और ये प्रॉपर क्लोज नहीं होते हैं, तो आप इस फ्रिज के सामने वाले दोनों लेग्स, दोनों पैर के नीचे पैकिंग दे देने से, फॉर एग्जाम्पल एक पैकिंग मैं देना चाहूंगा इनके लेग्स के नीचे यहां पर, और दूसरी पैकिंग में इन लेग्स के नीचे देता हूं, या कि अगर ये पैर एडजस्टेबल हैं तो इनको थोड़ा ढीला करेंगे तो ये नीचे की तरफ जाते हैं और फ्रिज पीछे की तरफ थोड़ा सा टिंट हो जाया करते हैं। तो अब अगर हम फ्रिज को खोल के छोड़ भी देंगे तो ये प्रॉपर क्लोज हो जाया करेंगे। हमारी सर्विसेज को पाने के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा कि क्या आपकी सिटीज में हमारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। मिलते हैं एक गुड गाइडेंस वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।